हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवनीश वाजपेयी, डायरेक्टर हिस्टोरिका इंस्टीट्यूट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं और आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझना है, देखना है, जानना है, तो आप पहले और दूसरे वीडियो को जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाएं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है क्या? एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के तहत आपको इसको अगर जानना है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर हमारा पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखें। आज का पहला सवाल आपके लिए यहां पर ये है, और ये है ये मेरे यार की शादी। शादियों का मौसम है और हुआ क्या, योर फ्रेंड हैज नॉट इन्वाइटेड यू टू हिज मैरिज पार्टी, यू विल। तो आप समझिए डियर स्टूडेंट्स, आपका कोई एक मित्र है, बहुत ही खासम खास मित्र है, उसकी शादी और उसने आपको इनवाइट नहीं किया हुआ है, तब आप क्या करोगे? होल्ड इट अगेंस्ट हिम, अटेंड द सेरेमनी, सेंड हिम टू योर बेस्ट विशेस, या इग्नोर द होल अफेयर, आपका काम क्या होगा? भाई यहाँ पर तो आपको पता है, भाई आपका मित्र है, हो सकता है कुछ कोविड की वजह से लिमिटेड लोग ही बुलाने या कुछ भी ना, वट एवर इट इज, तो आपको क्या करना चाहिए? मित्र है तो आपको उसको बेस्ट विशेस भेजना है। आपका जवाब हमेशा मोरल होना चाहिए, यानी नैतिक, लीगल होना चाहिए, राइट? तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पर। आप नाराज नहीं हो जाओगे अपने मित्र से, यहाँ पर उसको कंग्रेचुलेशंस दोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पहला सवाल आज के इस थर्ड प्रैक्टिस सेशन में, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर डालें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और बाकी वीडियोस को भी देखें। ग्रुप डिस्कशन भी है, ग्रुप डिस्कशन में क्या करना, साथ साथ में अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1 क्या है, 2 क्या है, सारी डिटेल्स में आपको चीजें मिल रही है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस में मिलते जाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डू यू थिंक दैट वन शुड चेंज हिज जॉब ऑफ एंड फेस न्यू सिचुएशन? यहां पर आपको दिया हुआ है, क्या आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी जॉब बदल देनी चाहिए? अक्सर नहीं, यदा कदा, राइट? और उसको नई स्थितियां उनको सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, नई सिचुएशन, नई परिस्थितियां। तो आप समझिए यहां पर अपने ऑप्शंस को, नो अनलेस कंपेल्ड वन शुड नॉट लीव हिज ओल्ड जॉब, यस एवरी न्यू जॉब इज चैलेंजिंग एंड वन शुड एक्सेप्ट द चैलेंज, नो एज इट टेक्स टाइम टू गेट एडजस्टेड, एंड लास्ट ऑप्शन इज नो एज द न्यू सिचुएशन मे नॉट सूट यू। तो जब भी कभी आप अपनी जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, और यहां पर देखिए ऑफन दिया हुआ है, यस राइट, समझिए, तो यानी यदा कदा, हमेशा की बात नहीं, रेगुलर इंटरवल पर नहीं आपको जॉब चेंज करने की बात की जा रही है। इसका मतलब आपका यस जॉब चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक नई जॉब आपको एक नई सिचुएशन आपका फेस करने का मौका देता है, एंड लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। तो यहां पर जवाब आपका करेक्ट क्या होगा? बी, यस एवरी जॉब, एवरी न्यू जॉब इज चैलेंजिंग एंड वन शुड एक्सेप्ट द चैलेंज। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आज का वीडियो लेक्शन का है, एंड ओवरऑल आपका ये 23rd नंबर क्वेश्चन। सपोज वन ऑफ योर फ्रेंड ड्रॉप्स योर कैमरा वाइल हैंडलिंग इट केयरलेसली, यू वुड, तुम्हारा एक कोई दोस्त था, उसको तुमने बोला यार ये हमारा DSLR कैमरा संभालो, और उसके हाथ से छूट गया, गिर गया, टूट गया, आप क्या करोगे? ये तो नहीं बोलोगे पहला ऑप्शन जो कि कह रहा आस्क हिम टू बाई अ न्यू कैमरा एंड रिप्लेस इट, उससे कहोगे नहीं मेरे को भाई नया कैमरा लाओ, नो, नेवर कीप एनी कनेक्शन विद हिम, उससे नाता ही तोड़ दोगे, बी वेरी मच एनवाई, बड़ा ही एंग्री हो जाओगे, बड़ा ही नाराज हो गए। लास्ट ऑप्शन, टेल हिम टू बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग सच डेलिकेट थिंग्स, यही जवाब बचता है, उसको बोलो भैया जब ऐसी चीजें हैं तो इनको संभाल के आपका हैंडल किया करो, राइट, हैंडल विद केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर इंटरव्यूड फॉर अ न्यू जॉब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, आपका इंटरव्यू हुआ, आपके लिए इन चारों में कौन सा सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन, सब प्रमोशन के बारे में सोचते हैं, रिम्यूनरेशन यू विल पेड, कितना दोगे भैया सैलरी, ये भी सब आपका पूछते हैं, स्कोप टू डेवलप योर आइडियाज एंड यूज देम टू इंप्रूव द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपने आइडियाज को देखोगे, राइट, और अपने आइडियाज को देखोगे हम कितना उनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, कितना वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम आएंगे, या लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल द अबव आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जनरली बच्चे इसमें सी दे आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा है ना दिखने में कि बड़ा है, नहीं, आपको प्रमोशन भी मिलना चाहिए, आपका
पैसा भी आपको पता होना चाहिए कितना मिलने वाला है, और साथ साथ में आपकी वहां पर एबिलिटीज को प्रॉपरली यूज किया जा सकता है या नहीं। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर चार सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ऑप्शन में हमेशा रुका करिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। You have just broken up with a long-term girlfriend. कोई तुम्हारी बहुत पुरानी girlfriend थी, whom you really loved, बहुत ही प्यार करते थे उससे, and are totally distraught. बहुत ही आपका टूट चुके हो ना, तो क्या करोगे भाई, girlfriend तुम्हें धोखा दे के चली गई हुई, ये बहुत ही प्यार करते थे। Cry over it alone, अकेले में रोगे, resort to addictives, drug लेने लगोगे, शराब पीने लगोगे, देवदास बन जाओगे, share your sorrow with someone, अपना दुख अपने मित्रों से बांटोगे, या try to forget about it by going out with the friends, यही करना चाहिए तुम्हें, मित्रों के साथ बाहर जाइए और भूल जाइए पुरानी girlfriend को। Next question पर आ जाते हैं dear students, ये रहा आज का next question, which is the best quality in a man, किसी भी व्यक्ति में, मनुष्य में, आदमी में सबसे बढ़िया क्वालिटी कौन सी है। एबिलिटी टू प्लीज अदर्स, दूसरों को खुश करने की आदत, एबिलिटी क्षमता यानी एबिलिटी टू वर्क हार्ड, सिंसियरिटी या टॉक पोलाइटली, हैं तो सब बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे, लेकिन अगर हम बेस्ट क्वालिटी की बात करें तो बेस्ट क्वालिटी आपका है दैट इज सिंसियरिटी। आप सब एयरफोर्स में जा रहे हो, एयरफोर्स में जाने की तैयारी कर रहे हो भाई, दूसरों को खुश करना, परिश्रम ज्यादा करना, पोलाइटली बातचीत करना, सब कुछ सही है, लेकिन सबसे मेन है सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, एंड अगला सवाल है यहाँ पर, यू What? Do not like to criticize people. लोगों की आपका criticize, उनकी आपका बहस ना करना पसंद नहीं करते। वो never criticize people. Criticize the people the moment you find any fault. किसी जगह पर किसी गलती मिली तुरंत criticize करना शुरू कर दिया। Would not criticize anyone unless you are sure about his fault. जब तक नहीं criticize करोगे, जब तक उसकी गलती के बारे में आपको पता नहीं। Yes, D option बिल्कुल correct है भाई। राइट, यहाँ पर डी करेंगे, जब किसी गलती आपका पता चलती कि नहीं गलती है, तब उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, 28, व्हाट विल यू डू इफ यू फाइंड एन एजेड पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज रोड ओरिएंटेशन। एक कोई बूढ़ा आदमी जा रहा था, वो रास्ता भूल गया सड़क पर कि किधर जाना, क्या करोगे? Avoid the matter totally, पूरी तरीके से इग्नोर कर दोगे, अवॉइड कर दोगे, हेल्प हिम विद सम मनी, दे दोगे पैसा, दादा ये लो 100 रुपए का नोट और चले जाओ, या कलेक्ट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज डेस्टिनेशन, गाइड हिम टू एक्यूरेटली, उसका आता पता पता करोगे और उसको गाइड करोगे एक्यूरेटली, या जस्ट शो सिंपथी एंड गिव सजेशन टू कॉन्टेक्ट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। सिंपथी दिखाओगे, बोलोगे बगल वाले पुलिस स्टेशन में चले जाओ। अरे यार जवाब तो यहाँ पर आप सबको पता चल चुका है ना कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, अगला सवाल क्या आ रहा है यहाँ पर, दैट इज यू आर पासिंग बाय अ रिवर एंड यू नो स्विमिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, यू नो स्विमिंग, नदी के किनारे से जा रहे हो और आपको स्विमिंग आती है, सडनली यू हियर द क्राई ऑफ अ ड्राउनिंग चाइल्ड, एक डूबते हुए बच्चे की आवाज आती, क्या करोगे? तैरना आता है तो तुरंत नदी में गोता मार दोगे। जवाब यहाँ ए कर लो, डाइव इन टू द रिवर टू सेव हिम। और अगर आपको तैरना ना आया होता, यहाँ लिखा होता यू आर पासिंग बाई अ रिवर एंड सडनली यू हियर द क्राई ऑफ अ ड्राउनिंग चाइल्ड, तो ऐसे में आपका मदद के लिए देखते कोई प्रोफेशनल डाइवर्स या जो लोग तैरना जानते हैं उनको बुलाते। बात समझ में आ गया ना मेरे यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूं? लेकिन आपको जब तैरना आता तो दूसरों की आपका सेवा करना, दूसरों की मदद करना परम धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, बहुत बढ़िया भाई। When you see a whole lot of chocolates, you are tempted to eat them. जो डायबिटीज है, मिठाई मिल गई ताऊ जी को, दिख गई ताऊ जी मान नहीं रहे, बिल्कुल खाने को तावले हो रहे हैं, but you also realize that they are not good for you in long run. आगे चल के बहुत लंबे समय में आपका वो अच्छा नहीं होने वाला, ज्यादा मिठाई खाओगे। What do you do? क्या करोगे आप? तो पहला आंसर आपका, You would not eat them because you know the harmful effect. भैया किसी चीज की harmful effect पता है तो उसको खाओगे नहीं। दूसरा कह रहा है, you decide not to eat them but keep thinking about them. यार ऐसा भी क्या आपका कि उनके बारे में लगातार सोचते रहो ना। And last C option कह रहा है, you would eat them but feel guilty about what you have done. And last option है, you would give in the temptation and eat the chocolates without being bothered about the consequences. बगैर परवाह किए हुए खा ही डालोगे ना, कुछ नहीं करना, कोई चीज नुकसान कर सकती है, किसी चीज का सेवन अगर आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं तो आप उसको खाओगे ही नहीं, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके की वीडियोस के लिए आप प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि
आप इस पूरी जो वीडियो की आपका प्लेलिस्ट है उस पर चले जाए, आपको ढेर सारे चीजें मिलने वाली। शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना दोस्तों के बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम अगले 10 सवाल और करने वाले हैं। कुल मिला के आपको 200-300 सवाल यहाँ पर ऐसा टिक मिलने वाले। इतना कर लो दोस्त, कभी भी फेल नहीं होने वाले हो ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई लोगों।